नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में हमारी जो पाठ्यपुस्तक है सृजन में जो गद्य खंड है, गद्य खंड के अंतर्गत अध्याय 14 ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। तो धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1997 में हुई थी। अब देखिए, इसमें ये शीर्षक लिखा हुआ है ठेले पर हिमालय, तो ये ठेले पे हिमालय कैसे हो सकते हैं, है ना? तो ठेले पे हिमालय कैसे हो सकते हैं? हिमालय तो उत्तर दिशा में है और भारत का मुकुट भी कहा जाता है हिमालय को, तो ये ठेले के ऊपर कैसे आ सकते हैं? तो इसके पीछे भी एक कहानी है कि किस प्रकार से जो इसमें लेखक है कौसानी घूमने के लिए जाता है, वहाँ की पर्वतीय जो छटाई हैं उनको देखता है और कैसे वो बर्फ़ के पहाड़ों को देखता है, और वही आभास उसको एक दिन ठेले के ऊपर जब कोई बर्फ़ की जो सिल्लियाँ लेके जा रहा है तो उनको देख के हो रहे हैं। तो जब लेखक के मन में ऐसा भाव जागृत हुआ तो उन्होंने इस कृति का सर्जन किया, यह कृति लिखी, यह रचना लिखी, और जिसका नाम इन्होंने रखा ठेले पर हिमालय। तो ये इनका संस्मरणात्मक कह सकते हैं अपने, क्योंकि इनको स्मरण हो रहा है कि किस प्रकार से इन्होंने बर्फ़ जो है उसकी अनुपम छटा को देखा था और किस प्रकार से ये इनको अनुभव हो रहा था, तो उसी अनुभव को इन्होंने अपने इस अध्याय में, अपनी इस कहानी में कह सकते हैं, संस्मरण में चित्रात्मक शैली में हमारे सामने उकेरा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अध्याय है 14 ठेले पर हिमालय, जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। तो जन्म के बारे में हमने अभी चर्चा की है कि इनका जन्म सन 1926 में और इनकी मृत्यु जो है 1997 में हुई थी। अब क्योंकि इनका जो लेखक परिचय या कवि परिचय भी हमारे उसमें प्रश्न पत्र में आता है, तो इसका अध्ययन भी हमें करना चाहिए। तो चलिए पहले हम जो लेखक परिचय है उसका अध्ययन कर लें। धर्मवीर भारती का जन्म अतारसुइया इलाहाबाद में हुआ। अब ये स्थान है, स्थान का नाम है अतारसुइया और वो है इलाहाबाद में। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध तथा आलोचना सभी विधाओं में सृजन किया। अब इन्होंने काव्य भी लिखा है, उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखी है, कहानी, निबंध और आलोचना, ये सभी विधाओं में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन कर वे काफ़ी लोकप्रिय हुए। अब ये साप्ताहिक पत्रिका थी एक धर्मयुग, तो उसका संपादन भी इन्होंने किया और काफ़ी लोकप्रिय भी रहे हैं। इससे पूर्व भारती, अब भारती कौन, धर्मवीर भारती के लिए कहा गया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व कुछ समय तक साप्ताहिक संगम के संपादक भी रह चुके हैं। उनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य तथा लोक जीवन की सजीव झांकी मिलती है। उनकी मुख्य रचनाओं में गुनाहों का देवता, अब देखिए इनकी जो रचनाएँ हैं ना उनके अंदर मध्यम जो वर्ग है उसका जीवन संघर्ष और भारतीय संस्कृति का जो स्वर्णिम मूल्य है तथा लोक जीवन की जो सजीव झांकी है वो देखने को मिलती है। उनकी मुख्य रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश जो कि इनका उपन्यास है, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी व आद्यांत जो काव्य है इनका, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग व बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह इनका, अंधायुग पद्य नाटक है इनका, पद्य जिनमें श्लोक लिखे जाते हैं, ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी व पश्यंती इनका निबंध संग्रह है जो कि प्रमुख है। इनके अतिरिक्त उन्होंने रेखाचित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक संस्मरण तथा यात्रा विवरण विधा में भी उल्लेखनीय सृजन कर पाठकों का दिल जीता है।
आप जो प्रस्तुत निबंध पढ़ेंगे हम ठेले पर हिमालय, तो इसमें भी लेखक जो है वो यात्रा का वर्णन कर रहे हैं, संस्मरण जो है वो कर रहा है। प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें हिमालय की जो प्राकृतिक छटा है, जो शांति है, जो स्तब्धता है, स्तब्धता कहते हैं ठहराव, ठहरना, और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। अब ये नैसर्गिक क्या होता है? नैसर्गिक होता है प्राकृतिक, प्रकृति द्वारा बनाया गया, मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया वो। तो ऐसा जो सौंदर्य है, नैसर्गिक सौंदर्य जो मनोहारी है, उसका वर्णन किया है। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। ठेले पर लदी बर्फ की सिल्लियाँ देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव उठता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसरमय होती घाटी की संध्या और बर्फानी दिवस समस्त साप ताप संघर्ष और अंतर्द्वंद से मुक्त करने वाले होते हैं। अब देखिए ठेले पर लदी हुई जो बर्फ की सिल्लियाँ हैं उनको देखकर जो कवि हैं, लेकिन यहाँ पे लेखक हैं ये, क्योंकि गद्य विधा के अंतर्गत इनकी रचना है तो यहाँ भी हम लेखक लेंगे, तो उनके स्मृति पटल पर कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव उठता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें और केसरमय जो होती घाटी की संध्या और बर्फानी दिवस, दिवस का मतलब है दिन, समस्त साप, अगर किसी प्रकार का किसी को कुछ श्राप मिला हुआ है या किसी को किसी प्रकार का ताप है यानी कि दुख है या संघर्ष है या अंतर्द्वंद अगर है तो उसे मुक्ति कराने वाले होते हैं। निबंध को पढ़ते समय पाठक के चित्त में यह सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो उठता है। अब देखिए निबंध को जब पढ़ता है पाठक तो उस समय उसके मन के अंदर, उसके हृदय में यह सौंदर्य प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जैसे समस्त वो घटनाएँ उसके सामने ही घटित हो रही हैं, वो स्वयं जो है उसका आनंद ले रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। ये तो था जो इसका मूल भाव कह सकते हैं, लेकिन जो मूल पाठ है वो हम पढ़ रहे हैं अब ठेले पर हिमालय। अब ठेले पर हिमालय इसका वर्णन इसमें लेखक ने पहले कर दिया है कि ठेले पर लदी हुई बर्फ़ की सिल्लियों को देखकर उसको ऐसा आभास होता है और उसके मन में जब विचार उभरते हैं तो वह उसको जो शब्दों के द्वारा उकेर देता है और वह उसकी रचना होती है ठेले पर हिमालय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है। अब देखिए खासा दिलचस्प है, ये हर प्रकार से अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने वाला है ये, और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा। अब लेखक कहता है कि ये काफ़ी दिलचस्प है लेकिन बिल्कुल भी इसे ढूंढना नहीं पड़ा मुझे, बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ़ की सिलें लादे हुए बर्फ़ वाला आया। अब देखिए किस प्रकार से लेखक के मन में ऐसे विचार आ रहे हैं जिनके कारण से वह यह रचना लिखता है कि वो एक पान की दुकान पर खड़े हुए हैं एक अपने गुरुजन मित्र के साथ में, तो उपन्यासकार थे मित्र इनके, तो उनके साथ में खड़े हुए हैं तो ठेले पर बर्फ़ की सिलें लदी हुई हैं और बर्फ़ वाला आता है और ठंडे चिकने चमकते बर्फ़ से भाप फूट रही थी। अब आपने भी देखा होगा कि बर्फ़ की जो सिल्ली है तो उसमें से भाप निकलती रहती है बर्फ़ में से। अब आप कभी फ्रिज में से निकालना बर्फ़ को तो उसमें आप देखोगे जो बर्फ़ जमी हुई है तो बाहर निकालने पे उसमें से भाप निकलनी प्रारंभ हो जाती है। तो उसी प्रकार से लेखक को जो है वो ठेले पर लदी हुई जो बर्फ़ की सिल्लियाँ थी उनमें से भाप जो है दिखाई दे रही है, ठंडी है वो बर्फ़ क्योंकि वो तो ठंडी होगी ही। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है, वे क्षण भर उस बर्फ़ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। अब देखिए किस प्रकार से लेखक जो है, एक कवि जो है, तुरंत ही हर एक चीज़ के अंदर, हर एक वस्तु के अंदर किसी न चीज़ किसी वस्तु का आभास कर लेता है, तो उसी प्रकार से लेखक जो है उसको बैठे बैठाए ये शीर्षक मिल गया क्योंकि उनके मित्र जो अल्मोड़ा में रहते थे, अल्मोड़ा के थे, और बर्फ़ को देखकर क्षण भर के लिए उसमें खो गए और खोए खोए बोले कि यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा बढ़ाती है। और तत्काल ही उसी समय ही मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय।
पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हों तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडोल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजू हैं, मौजू मतलब उपस्थित हैं आपके सामने। और अगर नई कविता से नाराज़ हो, सुललित गीतकार हो तो भी गुंजाइश है, इस बर्फ़ को डांटें, उतर आओ। ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हों, ओ नई कवियों ठेले पर लदो, पान की दुकानों पर बिको। अब देखिए इसमें लेखक कहता है कि जो नए कवि हैं ना, उनको भी चाहिए कि वो कल्पनाएं करें और उनमें भी वास्तविकता तो रहे। पान की दुकानों पर बिको कि पान की दुकान पर जाने से ही, लोगों से बातचीत करने से ही नई जो विचार हैं वो आते हैं, नए भाव जो हैं आते हैं और नई रचना लिखने के लिए प्रेरणा मिलती है। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ़ कहीं उनके मन को खरोंच गई। और ईमान की बात यह है कि जिनसे 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजली बर्फ़ को धुंधले हल्के नीले जाल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ़ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है। अब देखिए लेखक कहता है कि जिसने भी हिमालय के जो शिखर हैं उनके ऊपर जो बर्फ़ चढ़ी हुई है और हिमालय की जो शिखर रेखाएं हैं उसके ऊपर चांद तारों को बातें करते हुए देखा है, या चांदनी जो उजली बर्फ़ को धुंधले हल्के नीले जाल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते हुए देखा है, तो उसके मन में अचानक ही उस हिमालय की जो याद है, उस हिमालय की जो बर्फ़ है वो खरोंच छोड़ जाती है और एक पीड़ा जो है उठती है मन में। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ़ मैंने भी देखी है। अब देखिए लेखक स्वयं के बारे में बता रहे हैं कि वो बर्फ़ मैंने भी देखी है, मेरे मन के अंदर भी वैसा ही भाव उठ रहा है। तो सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ़ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कोसानी गए थे। अब ये अपनी यात्रा का वर्णन इसमें कर रहे हैं जो संस्मरण हो रहा है इनको। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मझकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी, अब ये कोसानी गए हैं वहाँ पर, पहले नैनीताल, नैनीताल से रानीखेत, रानीखेत से मझकाली और उसके बाद में ये उसे पार करते हुए, भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी पहुँचे हैं। फिर कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है, दूसरी कोसानी। अब कोसी ये स्थान का नाम है, वहाँ से एक सड़क तो अल्मोड़े चली जाती है और दूसरी कोसानी की तरफ। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। अब देखिए लेखक बताते हैं कि रास्ता तो बहुत कुरूप है लेकिन आगे कैसा रहता है। देखिए आगे, पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़ हरियाली का नाम नहीं। अब लेखक कहता है कि हम कोसानी की तरफ चले तो हैं लेकिन रास्ते में कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं है, सूखे भूरे पेड़ हैं, पहाड़ हैं, हरियाली का भी नाम नहीं कहीं भी। ढालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़ा का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी थी कि जब हम कोसी पहुँचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। अब चेहरे पीले पड़ चुकना मतलब भयभीत हो चुके थे। अब लेखक कहते हैं कि अल्मोड़े का एक नौसिखिया ड्राइवर था, लापरवाह ड्राइवर था, और उसने बस के जितने मुसाफिर थे, जो सफ़र करने वाले थे, जो यात्री थे, तो उन सभी का हालत ऐसी कर दी कि जब नीचे उतरे ना कोसी जब पहुँचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे, अर्थात घबराए हुए थे। कोसानी जाने वाले सिर्फ हम दो थे, वहाँ उतर गई, बस अल्मोड़े चली गई। सामने के एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। अब जो बस है वो अल्मोड़े जानी थी तो हम कोसी उतर गए, क्योंकि कोसी से ही जो रास्ते हैं अल्मोड़ा के लिए और कोसानी के लिए जाते हैं। तो केवल हम दो जने ही थे जाने वाले और वहाँ पे उतर गए। वो सामने टीन का शेड बना था, काठ मतलब लकड़ी की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी, अब क्योंकि शीतलता नहीं थी, उमस थी, काफ़ी गर्मी थी। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी और जब उसमें से प्रसन्न बदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई, क्योंकि शुक्ल जी भी साथ में जाने वाले थे। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। उन्होंने हमें कोसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती देखी ही नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर हो जाया करती थी। काफूर मतलब गायब हो जाना, दूर हो जाना।
पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है? नई मूर्ति मतलब कोई व्यक्ति नया है उनके साथ में, ये कौन है? अब वो अपने मन में विचार कर रही हैं कि कौन है ये, अपने मन से पूछ रहे हैं। लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जरकन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या वाइनाकुलर, वाइनाकुलर दूरबीन को कहते हैं। अब ये एक उनका जो चित्र है वो हमारे सामने उभार दिया है कि वो दिखने में कैसे हैं जो इनके शुक्ल जी के साथ में आए हैं। वो लंबा दुबला सा शरीर है, पतला सांवला चेहरा है उनका, और एमिल जोला सी दाढ़ी है, यानी कि दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई है, ढीला ढाला पतलून पहना हुआ है, पतलून पैंट को कहते हैं, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जरकन है, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस, या तो थर्मस जैसा लग रहा है या कोई कैमरा हो सकता है या वाइनाकुलर हो सकता है, और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। अब उनका पूरा शब्द चित्र हमारे सामने उकेर दिया है। यह पतला दुबला मुझ जैसा ही सिंकिया शरीर और उस पर अपना झूमते हुए आना। अब सिंकिया शरीर मतलब बिल्कुल पतला है, सिंकिया मतलब झाड़ू की आपने तिल्ली वगैरह देखी होगी ना, तो उस जैसा पतला था ये दिखने में, और उस पर भी ये झूमता हुआ आ रहा है। मेरे चेहरे का निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा। अब मेरे चेहरे के ऊपर जो उत्सुकता थी कि कौन है ये, तो शुक्ल जी ने कहा हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सैन, अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है, उसी रुपये से घूमकर छुट्टियां बिता रही हैं। थोड़ी देर में हम लोगों के साथ सैन घुल मिल गया, कितना मीठा था हृदय से वह। अब दिखने में तो कोई कैसा भी हो सकता है, लेकिन जब तक हम किसी से बातचीत नहीं करते तो हमें उसके प्रति कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए, ऐसा इसमें लेखक बताना चाहता है। अब लेखक ने पहले धारणा बना ली क्या है कैसे है ना, दुबला पतला सा है, सिंकिया शरीर सा है, तो कैसे झूमते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब उससे बातचीत की तो कहा कि वह तो बहुत मीठे हृदय के हैं, अर्थात विनम्र हैं, वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए। अब कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। अब कोसी से कोसानी की तरफ बढ़ रहे हैं हम आगे, तो सारा ही दृश्य बदल गया। जो सुडोल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। अब पहले तो लेखक कह रहा था कि क्या था, सुनसान रास्ता था, पानी तक पीने के लिए नहीं था, सूखे जो भूरे पहाड़ हैं, हरियाली का नामो निशान नहीं है, लेकिन जैसे ही कोसी से कोसानी की ओर बढ़ रहे हैं आगे, तो सुडोल पत्थर हैं वहाँ पर कल कल करती हुई जो कोसी नदी बह रही है, और उसके किनारे छोटे छोटे सुंदर गांव और हरी मखमली खेत हैं। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी। अब सोमेश्वर की घाटी पहुँच गए हैं, हरी भरी, एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें, और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। कितना मनोरम जो दृश्य है इसमें वर्णन कर रहा है लेखक कि एक के बाद अब एक स्टेशन आ रहे हैं, यानी कि ठहराव आ रहे हैं, और छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने मतलब चाय की दुकानें भी हैं वहाँ पे, और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल भी हैं। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी, और निर्जन जहाँ पे कोई मनुष्य दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, तो कहीं कहीं सड़क जो निर्जन चीड़ के जो जंगल हैं उनमें से गुजरती थी, टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। अब देखिए कैसे इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग कर दिया है, अजगर सी है ना, साथ इसमें तुलना की गई जो सड़क है, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अजगर के समान है, और उस कंकरीली पीठ के ऊपर हमारी जो गाड़ी है वो रेंगती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रास्ता सुहावना था, और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रालस बना रहा था, तंद्रालस मतलब आलस्य की ओर अग्रसर कर रहा था, पर ज्यों ज्यों बस आगे बढ़ रही थी हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कोसानी के नज़दीक हैं, कोसी से 18 मील चली आई, कोसानी सिर्फ 6 मील है। अब देखिए जो जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही है, अब मन के अंदर एक अजीब निराशा छा रही थी। अब निराशा क्यों छा रही है कि हम लोग कोसानी के नज़दीक हैं, एक तो आशा होनी चाहिए कि कोसानी जाना है तो कोसानी पहुंचने वाले हैं, और कोसी से हम 18 मील दूर आ चुके हैं, कोसानी से सिर्फ 6 मील दूरी पे हैं, पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, यानी जो रास्ते में हमें सौंदर्य दिखाई दे रहा था वो अब है ही नहीं, न जाने कहाँ चला गया। वह जादू जो कोसानी के बारे में सुना जाता था, कि कोसानी के बारे में सुना था कि बहुत सुंदर है, हरियाली चारों ओर छाई हुई रहती है, बर्फ़
गिरती है, तो ऐसा कुछ दृश्य हमें देखा ही नहीं जो सुना था हमने। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी ने अधिक मोहा है, अधिक मोह है, यानी कि अब कश्मीर में इतना अधिक सुंदरता नहीं है जितना कि कौसानी में है, लेकिन उनको स्मरण हो रहा है कि ऐसा कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था और कहा था कि स्विट्ज़रलैंड का आभास कौसानी में ही होता है। देखिए, गांधी जी ने जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी ने भी यहीं पे अनासक्ति योग लिखा था और कहा था कि स्विट्ज़रलैंड का जो आभास है वो कौसानी में ही होता है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर हैं किंतु इतनी प्रशंसा की योग्य तो नहीं है, तो नहीं है। अब देखिए, लेखक कह रहा है कि ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर हैं, लेकिन जितनी प्रशंसा इनकी की गई उतना तो है ही नहीं, स्विट्ज़रलैंड जैसा कहाँ दिखाई दे रहा है। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे और ज्यों ज्यों कौसानी नज़दीक आता गया त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में तो क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। अब कितनी प्रशंसा सुनी थी हमने कौसानी के बारे में, लेकिन जैसे जैसे हम कौसानी के पास पहुँच रहे हैं तो वैसा हमें कोई दृश्य दिखाई नहीं दिया। तो कभी कभी जो हमारा जो अपना संशय था शुक्ल जी से व्यक्त करने लगते और जैसे जैसे कौसानी के नज़दीक आए तो वैसे वैसे हमारा जो धैर्य था अधैर्य में परिवर्तित हो गया, जो संतोष था वो असंतोष में परिवर्तित हो गया और अंत में तो ये क्षोभ का रूप धारण करके हमारे चेहरे से झलक आया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। अब लेखक कहते हैं कि हम ही उनको बार बार कह रहे थे कि आप तो कौसानी का वर्णन कर रहे थे, महात्मा गांधी ने वर्णन किया है ना सुंदरता का, और है तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हमारे चेहरे के ऊपर क्षोभ को देखकर वो बिल्कुल चुप रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। अब अचानक ही बस ने एक लंबा मोड़ लिया है और ढाल पर चढ़ने लगी है, तो ढाल पर चढ़ने के बाद में क्या होगा, कैसी दृश्य हमें दृश्य दिखाई दिए लेखक को, और क्या उसे वो सुंदर जो दृश्य है वो दिखाई दिया भी या नहीं दिया, है ना, या क्षोभपूर्ण ही उनको वहाँ से आना पड़ा। जैसा सूखा रास्ता, सूखे पहाड़ उन्होंने देखे थे, क्या वही देखने को वहाँ मिले, या जो सुंदरता का वर्णन यहाँ पे किया गया था गांधी जी ने स्विट्ज़रलैंड बताया था इसको, क्या वैसी सुंदरता कौसानी में थी या नहीं, ये हम अध्ययन करेंगे। हमारा जो भाग दो है उसके अंतर्गत आज हमने भाग एक का अध्ययन किया है, जिसमें लेखक जो है अपने मित्र के साथ में और साथ में शुक्ल जी के साथ में वह कौसानी की यात्रा कर रहा है और रास्ते में कोसी से जब कौसानी की ओर बढ़ रहे हैं तो हरियाली दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे वो कौसानी की तरफ बढ़ते हैं तो पुनः वैसा ही जो सूखा जो दिखाई देता है, पानी नहीं है, पहाड़ भी जो भूरे रंग के दिखाई दे रहे हैं, कोई हरियाली नहीं है, तो मन में एक क्षोभ की भावना आती है। लेकिन जो शुक्ल जी हैं जिन्होंने कहा था कि कौसानी जाने के लिए प्रेरित किया था, तो वे बिल्कुल चुप हैं, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और बस जो है एक लंबा मोड़ लेती है और ढाल पर चढ़ने लगती है। तो ये था हमारा जो अध्याय 14वां ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती द्वारा, उसके भाग एक का हमने अध्ययन किया है। आगे हम भाग दो का अध्ययन करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे कि आगे की स्थिति क्या रहती है, किस प्रकार से जो सुंदरता का वर्णन किया गया था कौसानी का, क्या वास्तव में लेखक को वैसे देखने को मिलती है या नहीं मिलती, तो पढ़ेंगे उसका हम भाग दो के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ धन्यवाद।